सो गाइज वी आर एट हेवन दैट इज मनाली. व्यू देख सकते हो पीछे का. वाओ इट्स लुकिंग ब्यूटिफुल. गाइज बर्फ यहाँ पे ही इतनी है रास्ते में, जबकि हम अभी मनाली से ज़्यादा दूर नहीं पहुँच पाए हैं, तो सोचो सोलंग वैली में कितनी ज़्यादा बर्फ़ होगी, ये इमेजिन किया जा सकता है. काजल मैम ने पहन ली है ड्रेस और हमने भी पहन ली है ड्रेस. और ये जाम बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वी हैव डिसाइडेड वी आर मूविंग बाय फुट. सो एवरीवन वी आर हियर एट सोलंग वैली और थोड़ा सा रास्ता और बचा है और हम हैं यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे व्यू के पास. देख सकते हो ये व्यू, ये हसी वादियाँ, ये खुला आसमान. तो ये व्यू देख के आपको समझ में आ गया होगा कि इट इज़ सच अ ब्यूटीफुल प्लेस एंड आई थिंक यू मस्ट विजिट हियर एज वेल. तो गाइस ये बहुत ही वाइल्ड एक्सपीरियंस है और आई वुड सजेस्ट कि ये इस पे जरूर चढ़ना. लोग देख सकते हो जाम कितना ज़्यादा लगा हुआ है अगले 4 किलोमीटर क्या, मतलब जहाँ से हमने सोलंग वैली मनाली से चढ़ाई करी है वहाँ से जाम लग ही रहा है कंटिन्यू. तो बोलो तुम्हें कैसा लगा? बहुत खतरनाक. इट वॉज रियली वेरी वाइल्ड. आई वुड सजेस्ट यू जरूर आना इस पे, ये बहुत मजा आता है भाई साहब. तो वैली आप देख सकते हो. हाँ फाइनली भाई साहब वी आर एट सोलंग वैली फाइनली. तो भाई साहब सोलंग वैली में ये बीच में आपको स्पॉट दिखाई देगा, ये काफ़ी सारे स्पॉट्स हैं. इन स्पॉट्स में आप मैगी खा सकते हो, ठीक है, ऑमलेट खा सकते हो. भैया मैगी बना रहे हैं हमारी तगड़ी. एक प्लेट मैगी है 50 रुपये की, लेकिन भैया बना रहे हैं ज़बरदस्त मैगी. हम खा रहे हैं यहाँ पे काले चने और बहुत मज़ा आ रहा है यार, मतलब बहुत मज़ा आ रहा है. बैठे हैं यहाँ. हाँ और बहुत टाइम बाद मतलब ऐसा हो पाया कि हम बस सोचो कितनी बर्फ और इतनी गर्मी लग रही है. हाँ धूप बहुत ज़्यादा हो रही है गाइस, मतलब धूप तो सच में बहुत ज़्यादा है. रही बात एक्टिविटीज़ की, तो अभी तो हमने सोचा नहीं एक्टिविटी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, बट लेट्स सी. मुझे लगता है आप जब आओगे ना एक चीज़ ध्यान रखना. क्या चीज़? एक चीज़ ध्यान रखना वो है कि अगर आप सोलंग वैली आ रहे हो तो आप 8:30 बजे तक ना निकल जाना मॉर्निंग में,
वरना आपको बहुत दिक्कत होगी, आप पहुंच नहीं पाओगे, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। आधे घंटे का रास्ता है कार से, और मतलब 3 घंटे हो गए थे लगभग, आप ये मान लो हम आधा रास्ता भी नहीं पहुंच पाए थे। फिर हम परेशान हो गए, काजल तो सच में बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, ठीक है, धूप हो रही है, हाँ सफोकेशन ही हो रही, सफोकेशन ही होने लग गई। फिर हम उतरे, उतरने के बाद चलते चलते रहे, फिर चलते चलते भी बड़ी थकान हो रही ऊपर की तरफ है। फिर हमने वो माउंटेन बाइक होती है ना, वो वो बहुत डेंजरस लग रही थी काजल, सच बताऊँ तो वो बहुत शॉर्टकट तरीका है, आप उससे आ सकते हो। एक तो एक्टिविटी की एक्टिविटी हो जाएगी, ट्रैवल का ट्रैवल, मतलब जब आपको लगे ना परेशान होगी गाड़ी में, अगर ट्रैफिक जाम लग रहा है तो उसको ले सकते हो, वरना तो सुबह सुबह आ जाओ, सबसे बेस्ट रहेगा। कार वाला भी ज़्यादा नहीं लेगा आपको मनाली से, मतलब 1300-1400-1500 मैक्सिमम, आप ये मान लो प्राइवेट कार लेके आ सकते हो। तो अभी तक तो मतलब सब सही चल रहा है, सेट टाइम मामला पूरा का पूरा मज़ा आ रहा है। भाई साहब रुको मैं आता हूँ, रुको दबा दबा के पैर रखना। ओ भाई साहब रुक जाओ। अरे चलो फेंको। रुक जाओ, ये बर्फ जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है गाइस, ये पूरी की पूरी बर्फ जो है ये बहुत गहरी है, पैर हम जैसे रख रहे हैं तो ये पूरी अंदर फंस जाती है, ठीक है। देखो दिखाता हूँ, देख रहे हो, ये पूरी की पूरी धंस जाती है और बहुत सही है, मतलब ये वैली पूरी बहुत सही है। मैं दिखाता हूँ बैक पे ना, दूर दूर तक मतलब आप देखोगे बहुत सही है, और हम रील बना रहे हैं, काजल दाना गाना ढूंढ रही है, ठीक है। कौन सा गाना है काजल, पता नहीं क्या, अच्छा अच्छा डायलॉग है। चलो ये वैली है पूरी की पूरी, तगड़ी है वैली, दूर दूर तक बर्फ़ है, सोलांग वैली है ये, मज़ा आ रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ इस साइड भी एक्टिविटी एरिया है, वहाँ भी जाएंगे, चले आ जाओ। सो काजल बन रही है यहाँ पे पहाड़ी अब धीरे धीरे, ठीक है, पूरा पहाड़ी लुक काजल का। भाई साहब तुम्हारा तो सही लुक आ रहा है काजल, क्यों कितनी सुंदर लग रही है तुम तो, वाह पहाड़ी दुल्हन, पूरा एकदम। हाँ अब उतार लो कोई नहीं, मैं ऐसे ले रहा हूँ। वाह भाई साहब, पहाड़ों में मैगी खाने का मज़ा ही कुछ और है, और पहाड़न के साथ मैगी खाने का भी मज़ा ही कुछ और है। अभी तो पहाड़न बन गई थी थोड़ी देर पहले, तो मैगी से जो धुआं निकल रहा है ना वो बड़ा मस्त लग रहा है, कितनी यमी है मैगी, पिछली वाली मैगी से ज़्यादा अच्छी मैगी है।